रिप्रेजेंट किया जी, आप इस मैच के बारे में कैसे क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या एक एक पॉपुलैरिटी मैच है या एज अ प्रमोटर आप देख रहे हैं इस मैच को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया जी? आई थिंक इस मैच से संदेश दिया युवाओं को और बॉक्सरों को? जी आई थिंक ये बहुत बड़ा मैच था, एक फाइट ऑफ द सेंचुरी जिसको बोलते हैं वो मैच था। मैं बहुत एक्साइटेड था इस मैच के लिए और मनी पाक्या और दैट मेवेदर का ये मैच था और आई थिंक बहुत कुछ सीखने को मिला बिकॉज इतना बड़ा मैच था कि आई थिंक पूरा वर्ल्ड इस चीज़ का वेट कर रहा था। बहुत कुछ सीखने को मिला मेवेदर से, मनी पाक्या से सीखने को मिला बिकॉज मैं उन दोनों को फॉलो करता हूँ और जब इनकी फ़ाइट थी तो बड़ा एक्साइटमेंट थी। सुबह 6 बजे से उठकर ट्रेनिंग की, उसके बाद ये मैच देखा तो बहुत मज़ा आया मेरे को। फाइनली मेवेदर जीते वर्ल्ड बॉक्सर में से जी, अनकाउंटेबल मनी, क्या कुछ कहना चाहेंगे मेवेदर के बारे? जी मेरे को मौका मिला तो मैं उनके साथ रिंग में फ़ाइट जरूर करना चाहूँगा बिकॉज बहुत अच्छे बॉक्सर हैं, अभी तक किसी ने बीट नहीं किया उनको। बट ही इज प्लेइंग इन वेल्टर वेट कैटेगरी, आई मीन 75, तो अगर वो एक वेट अप आते हैं तो होपफुली हमारे चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे और उनके साथ फाइट करके मजा आएगा बिकॉज इससे पहले मैंने यूएस के साथ फ़ाइट की थी इन 2012 जो कि लंदन ओलंपिक्स था, उसमें मैंने फ़ाइट की थी और बहुत अच्छी फ़ाइट थी और एक पॉइंट से मैं जीत गया था उस लड़के से। तो मैं दोबारा अगर मैं यूएस के साथ फ़ाइट होती तो मेरी जो फर्स्ट चॉइस है जो फ्लॉयड मेवेदर होगा। विजेंद्र भाई, अपनल रिंग से ऐसे प्रोफेशनल बाउट इंडिया में भी कराने गवर्नमेंट, आपको क्या लगता है इंडिया में भी कराना चाहिए? जी ऑफकोर्स करना चाहिए, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है और प्रोमोटर्स हैं जो इस मैच के, आई थिंक उनको सोचना चाहिए बिकॉज दिल्ली और मुंबई बहुत बड़े सिटीज हैं हमारे इंडिया के और ऐसे मैच होते हैं तो आई थिंक आप IPL से बहुत कुछ सीख सकते हैं बिकॉज IPL इतना अच्छा बिजनेस कर रहा है। तो बॉक्सिंग के इतने बड़े इवेंट होते हैं तो उनका भी जो बिजनेस है बहुत अच्छा होगा। अपनी बॉक्सिंग और IPL के बारे में, फॉर्मेट सेट है, कॉर्पोरेट जगत इन्वॉल्व है पर बॉक्सिंग इंडिया के हाल बहुत बुरे हैं जी, उसमें सर मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ उसमें। बॉक्सर इतने ज़्यादा सफर कर रहे हैं दादा, उनको तो आदत सी हो गई है, आदत सी हो गई है। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? फेडरेशन और IUA का जो ताम झाम चल रहा है, उन्हें आदत सी नहीं है। तो सर इसमें आई थिंक और कोई सफ़र नहीं करता, ना कोई बॉक्सिंग इंडिया सफ़र करती है ना कोई, हाँ कोई सिर्फ बॉक्सर सफ़र करता है। और अगर बॉक्सर के साथ ही ऐसा होता है बिकॉज एक टाइम था जब 2008 ओलंपिक्स के बाद जब बॉक्सिंग के लिए एक मुकाम था, एक चेहरा था कि हाँ बॉक्सिंग बहुत अच्छा करेगी इंडिया में, लेकिन उसके बाद से जो उसका ग्राफ गिरा है, चाहे वो 2012 ओलंपिक्स हो चाहे वो उसके बाद की परफॉर्मेंस हो, तो बहुत मुश्किल भरा दौर कह सकते हैं हम वो था इंडिया का और अभी स्टिल चल रहा है। तो आई थिंक इंडियन मिनिस्ट्री अगर इसके बारे में कुछ सोचती है, इसके बारे में कुछ करती है तो अच्छा होगा बॉक्सर्स के लिए। क्या सजेशन देना चाहेंगे भारतीय स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को? सब होने वाले को नहीं पड़ता है, वो अपनी दुनिया में अलग ही जी ऑफकोर्स फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो भी बनता हो अगर किसी बॉक्सर्स का भला हो तो, बिकॉज मैं नहीं मानता कि प्रेजेंट या कोई सेक्रेटरी किसी बॉक्सर का बुरा करना चाहते हैं या बॉक्सर्स को बुरा कहना चाहते हैं, लेकिन वो किसी जो इंडिया का जो हमारा एक सिस्टम है आई थिंक उसको फॉलो कर रहे हैं। कहीं वोटिंग होती है, कहीं वोटिंग नहीं होती, कहीं उसके वोट ज़्यादा गए उसको, उसमें फंसे हुए हैं। अदरवाइज मैं जितने भी प्रेजेंट है, अभय सिंह चौटाला के अंडर भी मैं बॉक्सिंग की है, जजोड़िया जी के अंडर भी मैंने बॉक्सिंग की है और अपने मटोरिया जी के भी अंडर बॉक्सिंग, तीनों बहुत अच्छे प्रेजेंट थे, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने अपना बॉक्सिंग में, लेकिन वही बात है वोटिंग में आके बातें अटक जाती हैं, फिर ना उसको वोट मिल पाते ना उसको वोट मिल पाते, तो इसमें सफर सिर्फ बॉक्सर्स करते हैं। विजेंद्र क्या ये नहीं चाहेंगे कि इंडिया में कोई फॉर्मर प्लेयर को लाया जाए जो जिसे बॉक्सिंग की पता हो, सीख और अच्छे से इस फेडरेशन को चलाए? क्या स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री या IUA से की अपील नहीं करना चाहिए? सर वही बताना कि सिस्टम हमारा ऐसा है कि अगर एक बॉक्सर आएगा तो उसको वोटिंग नहीं मिलेगी, उसको कौन वोट करेगा कि इसको प्रेजिडेंट बना दो? कोई नहीं करेगा उसको, बिकॉज ये सब वोटिंग का खेल है, जिसको वोट मिलेंगे वही प्रेजिडेंट बनता है। तो प्रेजिडेंट एक बॉक्सर क्यों बनाएंगे, राइट? तो नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। हम कहते हैं कि फेडरेशन में भी आ सकते हैं बट बहुत एक छोटा सा एक दर्जा मिलेगा उस चीज़ को, कि उसको या तो छोटा मोटा सिलेक्शन कमेटी बना देंगे या किसी और कहीं डाल देंगे, उससे ज़्यादा बॉक्सर को कुछ नहीं मिल सकता बिकॉज उसके पास पैसा नहीं है, बिकॉज उसके पास पावर नहीं है। जिनके पास पैसा और पावर है वो सब चीज़ें बनती हैं। जिंदगी क्या कुछ है सर? अभी तो पुलिस ट्रेनिंग कर रहा हूँ और उसके बाद नेक्स्ट मंथ से मैं कैंप ज्वाइन कर लूँगा, वहीं से बॉक्सिंग करूँगा फिर दोबारा से। जी अभी बता ना, मैं पिछले एक साल से मैं अपनी पुलिस ट्रेनिंग कर रहा हूँ और एक साल का पीरियड होता है जो कंप्लीट करना पड़ता है, उसको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ अभी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए
रात दिन।